वीडियो में हम प्रोनाउन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है, ये मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सैनिक स्कूल गाइड का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सैनिक स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा इसमें, ठीक है। सैनिक स्कूल का ये क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टीचर आस्क्ड, खाली जगह टू सॉल्व द सम, टीचर ने पूछा। तो जब टीचर पूछेगा तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएगा, वी तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, हो नहीं सकता है, ठीक है। आई ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, हो नहीं सकता है, सॉरी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन नहीं होगा, और ही भी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस, यू एस अस, है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में क्या कर रहा है, कम्स टू अ स्कूल डेली, है ना, बोला कि कोई जो है स्कूल प्रतिदिन आता है, तो पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो देखो यहाँ पर ही हर जो है ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन होना चाहिए, तो नाउन तो है ही नहीं, कम्स वर्ब है, और अगर जो हम एच आर हर को ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं तो वर्ब के पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्टिव केस के प्रयोग होता है। उसी तरह से हिम भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है तो नहीं प्रयोग होगा, और हर्ष तो प्रोनाउन है तो ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन सी का प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि और यह हर्ष का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी नाउन का जिक्र सेंटेंस में कर दिया होता है, पहले ही कर दिया जाता है, तो उसके बाद हम उसके उसी के पॉजिटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, लेकिन कहीं भी नाउन का जिक्र नहीं किया हुआ तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना, तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सी, एस एच ई सी हो जाएगा, है ना, सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, है ना। डी वाला भी हो सकता था लेकिन कभी प्रयोग किया ही नहीं गया नाउन का, किसी नाउन का जिक्र ही नहीं है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन शुरू में लिखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन कर रहा है कि विल कुक आवर फूड टूडे, माने कि कौन जो है वो हमारा भोजन प्रतिदिन बनाता है, ठीक है, कौन मेरा भोजन बनाता है, तो वाट तो हो नहीं सकता क्योंकि खाना पकाने वाला कोई आदमी होगा, और वाट के बाद कोई नाउन का प्रयोग होना चाहिए, तो है ना, अगर जो सिर्फ बिना नाउन के प्रयोग हुआ तो ये निर्जीव चीज़ के लिए प्रयोग होता है, है ना, निर्जीव चीज़ के लिए, कोई वस्तु बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो किसी आदमी से संबंधित का बोध रहा है कि कौन खाना पकाएगा आज, ठीक है, आज कौन खाना पकाएगा, है ना, तो यहाँ बीच भी नहीं होगा, बीच तो होगा निर्जीव चीज़ के लिए होता है ना, छोटे मोटे जंतु आर के लिए होता है, पक्षी जानवर के लिए होता है बीच का प्रयोग, तो बीच नहीं हुआ, और हुज के तुरंत बाद एक नाउन आना चाहिए, है ना, हुज के बाद तुरंत एक नाउन आना चाहिए, नाउन नहीं है तो ये होगा ही नहीं है, हुज तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हु ही होगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले इसे भी जानो, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो हु ही सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, तो हु का प्रयोग होगा, है ना, हुज तो होगा नहीं, हुज तो पॉजिटिव प्रोनाउन है ना, या पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, तो ये होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार क्या कर रहा है, दीप्ति इज अबसेंट बिकाउज सी इज सिक टूडे, दीप्ति आज अबसेंट है, अनुपस्थित है, क्यों, क्योंकि वह बीमार है, तो दीप्ति लड़की है ना,
लड़की है तो लड़की के लिए सी का प्रयोग होगा, सी ही नहीं होगा। यू के साथ तो आर, इज है तो यू के साथ नहीं होगा, क्योंकि इज नहीं होता, वी भी नहीं होगा, है ना। तो सी ही होगा, लड़की है तो सी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दे विल नॉट वेट फॉर, फॉर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होना चाहिए। तो वी तो नहीं होगा, वी तो सब्जेक्टिव केस है, आवर्स सेल्वेज पोजिशन प्रोनाउन है, ये भी नहीं होगा, आवर्स भी नहीं होगा, तो क्या होगा? अस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अस। ठीक है, आवर सेल्वेज तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हो नहीं सकता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वर योर आंसर। ठीक है, तो वर के पहले कौची भर आएगा, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होगा लेकिन प्लूरल प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन का प्लूरल सिंगुलर होता है, वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन आ कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सिर्फ तीन ही चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होता है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होता है, बाकी किसी चीज़ का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ दैट तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो ये नहीं होगा, क्योंकि वर के पहले प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। दिस भी सिंगुलर प्रोनाउन है तो नहीं होगा, है ना। देम तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो देम ऑब्जेक्टिव केस है तो नहीं प्रयोग होगा, तो क्या होगा? दोज, दोज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोज। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यू शुड हेल्प, यू शुड हेल्प स्टूडेंट्स। देखो, स्टूडेंट्स नाउन है तो नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। देम तो ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं होगा, दे सब्जेक्टिव कैसे होगा, नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल प्लूरल एडजेक्टिव लगेगा। ठीक है, मतलब प्लूरल एडजेक्टिव नहीं, उस तरह बन जाता है, लेकिन प्रोनाउन ही कह सकते हैं, तो देज होगा। ठीक है, दैट नहीं होगा, दैट एक का बोध कराता है, लेकिन देज एक से अधिक का बोध कराता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल प्रोनाउन देज होगा। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन देज होगा, है ना, THESE देज होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन के पहले प्रयोग हुआ है तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, लेकिन हम इसे प्रोनाउन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दैट वाज माई, माई के बाद सिंगुलर होगा, है ना। दैट वाज माई क्या होगा? यहाँ वाज लगा हुआ है, वाज से ये पता चलता है कि एक ही नाउन है। ठीक है, नाउन सिंगुलर में है, है ना। जब जब दैट दैट वेयर रहता तो प्लूरल नाउन होता, लेकिन यहाँ पर बाज लिखा हुआ है तो मतलब कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वो क्या रहना चाहिए? सिंगुलर रहना चाहिए। तो क्लासेस तो प्लूरल है तो नहीं होगा, पीपल भी प्लूरल है नहीं होगा, कैटल भी प्लूरल है नहीं होगा, कैटल खुद खुद में अपने आप में प्लूरल है तो नहीं होगा। तो क्या प्रयोग होगा? दैट वाज माई क्लास, सिंगुलर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लास हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अनीता सा सम पेंस ऑन हर बेड बट सी डिड नॉट टच। देखो, यहाँ एक से अधिक पेन है, पेन से ढेर सारा पेन से, और ढेर सारा पेन्स के लिए क्या प्रयोग होता है? प्लूरल प्रोनाउन। तो दैट तो सिंगुलर प्रोनाउन इतना नहीं होगा, दिस भी नहीं होगा, है ना, दिस भी नहीं होगा, और देम और देज में तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव किसके प्रोनाउन होगा? ठीक है, तो देम हो जाएगा, THEM देम, प्लूरल के लिए देम हो जाएगा। देज नहीं होगा, देज के तुरंत बाद कुछ आना चाहिए नाउन प्रोनाउन। ठीक है, सी डज नो डिज नॉट टच देम। ठीक है, देज नहीं होगा, देज देज नहीं हो सकता, देम ही ज़्यादा सुटेबल है, तो बी नंबर देम ही होगा। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ही डिड नॉट सी। देखो निगेटिव सेंटेंस में ऑल का प्रयोग तो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, लिटिल का प्रयोग, लिटिल खुद में ही निगेटिव शब्द है, लिटिल खुद में ही निगेटिव शब्द है, तो इसका प्रयोग नहीं हुआ। नोट लगा हुआ तो ये खुद हुआ ही नहीं, ठीक है, तो एनी का ही प्रयोग होगा। लिटिल मात्रा का बोध कराता है ना, मूवी का तो गिनती कर सकते हैं, एक मूवी, दो मूवी, तीन मूवी, और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, तो ये लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सम का भी प्रयोग नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस में तो सम का प्रयोग होता ही नहीं है, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वाज सपोर्टिंग हिम। वाज सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर प्रोनाउन भी आना चाहिए, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। फ्यू तो प्लुरल है तो नहीं होगा, मेनी भी प्लुरल है तो नहीं होगा, ऑल के बाद सिंगुलर प्लुरल दोनों प्रयोग होता है, ठीक है, ऑल के बाद सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन इसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सा नाउन प्रोनाउन है, तो बी नंबर भी नहीं कह सकते हैं। नो वन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो नो वन ही आंसर हो जाएगा। नो वन वाज सपोर्टिंग हिम, कोई नहीं उसे मदद करता है। नो वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या नो वन के बाद सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है, तो नो वन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? एवरीबडी हैज कम्प्लीटेड। एवरीबडी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, क्योंकि वर्क नाउन है, नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और एवरीबडी के लिए सिंगुलर एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, तो हिज ही आंसर होगा, ठीक है। आवर नहीं कर सकते हैं प्रयोग, माई भी नहीं कर सकते प्रयोग, और योर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी को थर्ड पर्सन में रखा जाता है, और वह ही सी इट के तक के रूप काम करता है, ही के काम करता है, ठीक है। एवरीबडी क्या करता है? ही के काम करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज प्रयोग होगा, क्या होगा? हिज, HIS हिज का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? ही वाज इन ट्रबल, सो ही वाज इन ट्रबल, वह परेशानी में था, सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, या सो मतलब इसलिए, या देयर फॉर मतलब भी होता है इसलिए, तो वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन प्रयोग हुआ, सो एवरीबडी हेल्प हिम, सो एवरीबडी हेल्प हिम, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, एवरीबडी, ठीक है। आदमी ही ना मदद करेगा समथिंग, कोई चीज़ तो थोड़ी मदद करेगा, नोबडी मदद करने की बात है, तो नोबडी का क्या होगा? परेशानी में है तो कोई ना कोई मदद करेगा ही, तो नोबडी नहीं होगा, नथिंग भी नहीं होगा, ठीक है, एवरीबडी होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा, ठीक है, मदद करना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर एक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है नन ऑफ आवर टीचर्स, तो नन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, है ना, नन जब लगा रहे तो उसके बाद ऑफ के बाद प्लुरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा? बीटिंग तो नहीं होगा, बीटियन भी नहीं होगा, बीट्स होगा, ठीक है, बीट्स सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब है, तो बीट्स हो जाएगा, ठीक है। बीटेन V3 है, V3 के पहले हैव आना चाहिए, हैव हैज, तो हैव हैज तो है ये नहीं है, बीटिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके पहले एम इज आर बाज बेयर होना चाहिए, तो बीटिंग उसमें तो है ही नहीं सेंटेंस में, एम इज आर बाज बेयर, तो बीटिंग कैसे होगा? ती भी नहीं होगा, और V3 भी नहीं होगा, क्योंकि हैव हैज हैड रहना चाहिए, अभी तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यही ना होगा, बीट्स, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा, फिर तो प्लुरल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिस कार इज, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, मी तो नहीं होगा, माई भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, तो दिस कार इज माइन, अधिकार बताने के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है,
कि यह कार जो है मेरा है, मेरा है, मुझ इस कार पर मेरा अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर एक होगा माइन, या माई यानी माइन। माई नहीं होगा, माई तो एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, लेकिन नाउन नहीं है तो माइन ही होगा प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है योर्स आर ब्यूटीफुल ग्लासेस। योर्स प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो योर के बाद प्लूरल वर्ब होना चाहिए। आर तो इज तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, बाज सिंगुलर वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब क्या होगा? आर होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब आर प्रयोग हुआ यहाँ पर। योर्स आर ब्यूटीफुल ग्लासेस, योर्स आर ब्यूटीफुल ग्लासेस, तो यहाँ पर नाउन दिया हुआ है ग्लासेस, तो ग्लासेस प्लूरल है, इसलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल हुआ, वर्ब भी प्लूरल हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? वाज ए पुअर सर्वेंट, तो वाज सिंगुलर वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होगा? माई के तुरंत बाद तो एडजेक्ट नाउन रहना चाहिए, तो माई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, इसके नाउन नहीं है, तो माई तो होगा नहीं। योर्स भी नहीं होगा, है ना, योर्स भी नहीं होगा, तो वी के साथ तो प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो वी तो प्लूरल वर्ब लेता है, तो वी नहीं होगा, ही होगा, ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर वर्ब लेता है और बाज सिंगुलर वर्ब है, तो उसके पहले सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ही, है ना। ये तो इसे कह सकते हैं कि प्लूरल है योर्स, तो ये होगा नहीं योर्स, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? आई शुड राइड माई साइकिल एंड यू शुड राइड You should ride yours। मैं अपना साइकिल यूज करता हूँ, मुझे करना चाहिए और तुम्हें अपना साइकिल यूज करना चाहिए। अपने के बारे में बता रहा है कि खुद सब अपना अपना साइकिल को यूज करना चाहिए, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? या yours हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन yours हो जाएगा। ठीक है, यू का पॉजिटिव प्रोनाउन yours हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ना 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्स वाज ए बिग यहाँ लगा हुआ, तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। आवर्स वाज ए बिग हाउसेस नहीं होगा, तो ये तो प्लूरल है। ऑनेस्टी भी नहीं होगा, नाउन ही होना चाहिए। वाटर भी नहीं होगा, वाटर बिग थोड़ी होता है, वाटर बिग तो उसका आकार बताता है, तो ना। आवर्स वाज ए बिग हाउस, मेरा घर जो है बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर एक होगा आवर्स हाउस होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? रवि यहाँ थर्ड पर्सन ही के रूप में काम कर रहा है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है, तो रवि सा हिम सेल्फ, ऑप्शन नंबर एक होगा हिम सेल्फ। रवि सा हिमसेल्फ, रवि ने अपने आप को देखा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वी शुड खाली जगह क्लीन आवर हाउसेस, तो वी हमें अपने आप घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें अपने आप अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। आवर हाउसेस, हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए अपने आप, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्वेज होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आवर सेल्वेज बी होगा। ठीक है, आवर सेल्वेज, वी शुड आवर सेल्वेज रीड क्लीन हाउसेस। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यू एंड आई विल हैव टू हेल्प। देखो यहाँ पर दो आदमी हो गया, यू एंड आई, दो हो गया, तो मतलब थर्ड पर्सन में चला जाता है, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन का प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्वेज होता है। ठीक है, देम सेल्वेज थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो देम सेल्वेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू एंड आई हेल्प विल हैव टू हेल्प देम सेल्वेज। ठीक है,
तुम्हें और मुझे अपने आप को मदद करना चाहिए, ठीक है? तुम्हें और मुझे अपने आप को मदद करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, रीना खाली जगह वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। रीना लड़की है, तो लड़की के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद सी के रूप में होता है। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, तो यहाँ पर हर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि रीना लड़की है तो सी के हर सेल्फ हो जाएगा, तो यहाँ भर आएगा क्या? हर सेल्फ। रीना हर सेल्फ वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। रीना स्वयं खुद ट्रेन से दिल्ली गई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? खाली जगह डू नीड, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, है ना? तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो व्हाट डू यू नीड, या ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पर कॉलिंग यू, कौन आपको बुला रहा था? कोई आदमी ही होगा, है ना? तो विच तो नहीं होगा, बताया था कि निर्जीव चीज़ के लिए होता है, छोटे जानवर के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए। व्हाट भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई आदमी ही बुलाएगा, ठीक है? तो हु सब, अब वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन होम तो ऑब्जेक्टिव केस है, आदमी के लिए होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये नहीं होगा। हु होता है सब्जेक्टिव केस के रूप में वर्ब के पहले, तो वर्ब इज है, तो इज के पहले वर्ब होगा, वर्ब क्या होगा? हु हो जाएगा आंसर। हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है, ना? आपको कौन बुला रहा है, कौन आपको बुला रहा है, तो हु इज कॉलिंग यू, यहाँ पर हु का प्रयोग होगा, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन को यहीं, अब सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।